हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवरीथिंग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ मीटर के बारे में कि मीटर कैसे चलाते हैं, इसको कैसे हर चीज़ को चेक करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, देखिए ये मीटर हमारे पास है। मीटर कई प्रकार का होता है, लेकिन इसमें मुख्य तीन चीज़ें होती हैं। ये जो देख रहे हैं आप, ये जो देखिए इस पर कॉम लिखा है, ये कॉम वाला, इस पर हमेशा काले कलर के यानी कि माइनस टर्मिनल को लगाएंगे। और इसमें से ये जो देखिए वी ओम एच लिखा है, इस पर हम हमेशा प्लस वाले को लगाएंगे। और इसको इसका बहुत कम यूज होता है, लेकिन आप इसका भी यूज मतलब कई जगह पे होता है। तो यहाँ पे हम लाल लगाएंगे और ये काले वाले को हमेशा यहीं रखेंगे, इसको कभी नहीं चेंज करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम अपने इस टर्मिनल को सेट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा टर्मिनल सेट हो चुका है। और देखिए हमारे पास एक चार्जर का किट है, इसमें सारे तरह के डायोड और सर्किट दिए हुए हैं। इसको हम कैसे चेक करेंगे अभी बताते हैं। तो फर्स्ट मैं आपको बता दूं, मीटर कई प्रकार का होता है, लेकिन हमारा मीटर जो है ये इस तरह का है। तो देखिए दोस्तों, ये ऑफ मोड में है, अभी इसको मैं ऑन करता हूँ। तो सबसे पहले मैं किधर भी घुमा सकते हैं, ये ऑन कर दिया। तो हमारे इस मीटर में लाइट का भी सुविधा है, देखिए इसको लाइट जलाने पे देखिए लाइट जल रहा है। और देखिए ये यहाँ पर लिखा है होल्ड, देखिए ध्यान से इस पर होल्ड लिखा है। ये होल्ड का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ को सेट कर दिए और सेट करने के बाद से उस पर होल्ड दबा देंगे तो वो होल्ड के मूड में आ जाएगा। वो जितने पे सेट जिसको चेक करेंगे उतना रुका रहेगा, उतने पे ही रहेगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एसी वोल्ट, देखिए यहाँ पे ये वोल्ट है, यहाँ पे ये सफ़ेद कलर का है, इस पर हम केवल एसी वोल्ट को चेक करेंगे। तो इसमें देखिए ध्यान से, इस पर 200 लिखा है, यहाँ 600 लिखा है। तो ये जो 600 है, इसमें हम 200 से अधिक अगर वोल्टेज रहेगा तो 600 के मूड पर रख के चेक करेंगे, और अगर 200 से कम रहेगा या फिर 200 रहेगा तो हम यहाँ पर रख देंगे तो ये चेक कर देगा। लेकिन हमारे जो घर पे लाइट आता है उसमें 200 से अधिक रहता है, इसलिए हम इसको 600 पकड़ के जाइए चेक करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक बोर्ड है, देखिए हम इस बोर्ड में इसको लगाते हैं। देखिए हमने अपने बोर्ड में इसको लगा रहे हैं, देखिए हम बोर्ड में लगाते ही देखिए ये 220 वोल्ट बता रहा है। हमारा इस समय यहाँ पर अभी 220 वोल्ट है। अब यहाँ पर अगर हम होल्ड दबा दिए और इसको हम निकाल भी देंगे तो ये वहीं के वहीं रुका रहेगा, ये होल्ड के चलते। अब इसको निकाल दिए, चलिए। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हम एसी वोल्ट को चेक कर सकते हैं। आइए अब आगे देखते हैं। अब देखिए ध्यान से इस सर्किट को, इसमें ये एक ट्रांसफार्मर ये रहा, और ये देखिए ये कंडेंसर है, इसको बोलते हैं। ये कंडेंसर को चेक करने के लिए हमें बजर मोड में करना पड़ता है। बजर मोड देखिए यहाँ से लाल कलर का है, इसको बजर मोड बोलते हैं। साउंड का भी चिन्ह आता है, देखिए इसमें बजर मोड में कर रहा हूँ, देखिए ये बजर मोड में हो गया। अब ये बजर मोड से हम इसको चेक करेंगे, और कैसे चेक करेंगे, अभी तो ये सर्किट में लगा हुआ है, लेकिन आपको अगर चेक करना होगा किसी चीज़ को बनाने के लिए कि ख़राब है कि अच्छा है, तो इसको यहाँ से निकालना पड़ेगा सर्किट से। बिना निकाले चेक करेंगे तो सही नहीं बताएगा। तो चलिए हम ऐसे ही चेक करते हैं बिना ओके। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा सर्किट को मैं चेक करने के लिए आपको दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, कोई चेंजिंग नहीं है, यानी कि ये बजर मोड ख़राब है। और इसको अगर वायर चेक करना हो तो भी यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। किसी वायर को चेक करना हो तो दोनों सिरे पे लगा कर, और इसको दोनों सिरे पे इसके पिन को लगाइए तो साउंड आने लगेगा, और ये साउंड के साथ ही कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन दिखाने लगेगा। इस तरह से हम इसको चेकिंग करते हैं। और देखिए यहाँ पर दिया है 200 UMI, 2 एमीटर, 20 मीटर, 2 मीटर। इससे हम इन सब चीज़ों से हम ये देखिए यहाँ पे देखिए कलर का दिख रहा है, ये डायोड है, इस डायोड को चेक करते हैं। इसको ये जो येलो हल्के भूअर कलर में दिख रहा है, इसको हम चेक करते हैं, इससे डायोड चेक करते हैं। और ये डीसी वोल्ट जानते हैं कैसे चेक किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए हम इसको यहाँ लेके जा रहे हैं, यह ध्यान से देखिए यहाँ लिखा है 220, यहाँ 200, यहाँ 600। तो इसमें हम डीसी वोल्ट को चेक करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ला दिए, इसमें भी सेम प्रोसेस है, अगर 20 वोल्ट से नीचे का है या 20 वोल्ट से ऊपर जाएगा तो हम उसको 20 वोल्ट पे नहीं चेक करेंगे, और अगर 2 से कम का है तो 2 पे रखेंगे, अगर 20 से कम का है तो 20 पे, और अगर 20 से अधिक हो गया तो यानी कि 200 पे ले जाकर हम चेक कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। तो चलिए दोस्तों, ये हम समझ गए, अब आगे चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए ये दिया है आपको 200K, 220K, 2K। इन सब चीज़ों पर हम देखिए इसको चेक करते हैं। ये जो ब्लैक कलर का आपको इस सर्किट में दिख रहा है, ये जो ब्लैक कलर का, इसको चेक करेंगे। और कैसे चेक करेंगे, इसको पहले दोनों टर्मिनल पर लगाएंगे। ये जो हल्का सफ़ेद में आपको दिख रहा है, इस सफ़ेद वाले पे हम इधर इधर साइड इस पे लगाएंगे रेड कलर को, और इधर ब्लैक कलर को।
तो ब्लैक साइड की तरफ ब्लैक कलर को लगाएंगे, तो इसमें देखेंगे कि हम ये मीटर अगर कोई एक्सप्रेशन दे रहा है, और अगर नहीं दे रहा है तो इसका मतलब ख़राब है, और अगर दे रहा है इसका मतलब सही है। तो इस तरह से इसको चेक करेंगे। और आपके बीच में ये बचता है, ये लास्ट में ये बचता है, ये देखिए ये टर्मिनल। तो इसको हमें ये ब्लैक कलर वाले इसको चेक करने के लिए इसमें तीन तरह के दिए हैं, इसमें तीन वायर होते हैं, तो इसको चेक करने के लिए हम बजर मोड में ही रखेंगे। इसको बजर मोड में रख के उसके बाद इसको चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे जब इसको निकाल के। तो अगर ये भी सेम प्रोसेस है, इसमें भी अगर मीटर एक्सप्रेशन दे रहा है इसका मतलब सही है, अगर नहीं दे रहा है इसका मतलब ये गलत है, यानी कि ये ख़राब हो चुका है। तो इस तरह से हम मीटर का उपयोग आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप शॉर्टकट में अभी मीटर का बहुत सारे उपयोग हैं, इसमें बहुत सारा कुछ दिया है। लेकिन आप हमारे अगर कोई कोर्स करना चाहते हैं कुछ बनाने के लिए, कुछ मोबाइल वगैरह या फिर कुछ चार्जर वगैरह, तो इस तरह से आप बना सकते हैं बिल्कुल आसानी से चेक करके। लेकिन हाँ, अगर आप मोबाइल बनाना चाहते हैं तो उसमें छोटी छोटी चीज़ें दी रहती हैं, तो सेम वही वैसे ही चीज़ दी रहती है, बस इन्हीं चीज़ों का छोटा रूप कर दिया रहता है। तो इस तरह से आप कुछ भी बना सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे वीडियो लेकर आने की कोशिश करूँगा। ये वीडियो मेरे ख्याल से उतना अच्छा नहीं बन पाया है, अगले वीडियो में और अच्छा मैं बनाने की पूरी तरह से कोशिश करूँगा।